नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा आयत का। तो हमने एक आयत को बना लिया, ये हमने एक आयत बना लिया है। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि जो आयत का परिमाप है वह है 56 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है L बराबर यह है 15 सेंटीमीटर, और निकालना हमें क्या है, निकालना है आयत का क्षेत्रफल। अब जब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास नहीं है, तो हम आयत के परिमाप की मदद से हम चौड़ाई को ज्ञात करेंगे, और जब हमारी चौड़ाई निकल आएगी तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं। इसमें लंबाई हमें दी गई है एल बराबर 15 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज हमको दी गई है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 56। तो 2 लंबाई की वैल्यू हमारे पास है 15 प्लस बी बराबर, इस 2 को हम यहां नीचे भेज देंगे, 56 बटे 2 लिख देंगे, 2 से काटेंगे तो 28 बार जाएगा। तो 15 प्लस बी बराबर है 28, तो बी यानी चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस 15 यानी चौड़ाई कितनी निकल के जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी चौड़ाई निकल आई 13 सेंटीमीटर और लंबाई है हमारी 15 सेंटीमीटर। हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हम यहां लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 13 सेंटीमीटर। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 195 सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बड़े ही सिंपल तरीके से पहले तो प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है उसको पहले पता करना है। जैसे इस वाले प्रश्न में उसने हमसे क्षेत्रफल पूछा था, अब क्षेत्रफल जब हमें निकालना पड़ेगा तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारे पास थी चौड़ाई नहीं थी, तो चौड़ाई कैसे निकली, आयत के परिमाप की मदद से। ठीक है, हमने चौड़ाई निकाली और फिर दोनों वैल्यू को पुट अप कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 195 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।